हेलो, आज 14th नवंबर है, चिल्ड्रंस डे, और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है. बहुत बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना और साथ में रहना, क्योंकि बहुत मासूम होते हैं. जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे जो हैं उनके पास सब कुछ है, गेम्स हैं, फैमिली है, खिलौने हैं, या उनके पास फ्रेंड्स हैं, सबके सब है उनको सपोर्ट करने के लिए और खेलने के लिए. लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को हमारी सबकी बहुत ज़रूरत है, और वो ज़रूरतमंद बच्चे वो हैं जो कैंसर से, बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे कैंसर से उनको गुजरना पड़ रहा है. इतने मुश्किल और इतना पेनफुल ट्रीटमेंट जो है उनके लिए, उससे गुजरना पड़ रहा है उसको. और बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम सबको पता है कि कीमोथेरेपी जो है कितना पेनफुल और कितनी कॉस्टली भी है, और उससे बहुत सारे लोग एक दो तीन थेरेपी के बाद फिर उनकी ना बाल रहती है ना स्किन सही रहता है, तो सारे के सारे चीज़ें झड़ने लगते हैं. हम लोग मैच्योर है तो हम फिर भी इस पेन को, इस चीज़ों को हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में ये चीज़ नहीं होती है. जो छोटे बच्चे हैं उनके जब बाल चले जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें, उनको खुद, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंट, उनकी वो जिंदा दिली, जो खेलने जाएंगे दोस्तों के साथ रहेंगे, एक दूसरे का बाल खींच के नोच के गिराएंगे, या क्रिकेट खेलेंगे, या चोटी बांधेंगे, ये सारी चीज़ें उनके साथ होती नहीं है, और ये सारा चीज़ वो लोग मिस करते हैं. तो मेरी बहुत दिल में ये बहुत तमन्ना थी कि मैं ऐसे कुछ बच्चों को कुछ तो मैं मदद कर सकूँ, मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से. सब लोग, आई एम श्योर आप लोग बहुत बहुत मदद करते होंगे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को. कोई पैसा देता होगा, कोई खिलौना देता होगा, कोई बुक्स देता होगा, कोई पेंसिल देता होगा, या उनके मेडिसिन देते होंगे, ऐसा कुछ दिया करो और मदद करो. बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको, जो बाल की ज़रूरत थी उनके पास नहीं है, आज एक बहुत अच्छे दिन पे मुझे लगा कि मैं उनको अपनी हेयर जो है वो डोनेट कर सकूं. ये हेयर पे वो अपना वीक बना के वो लोग पहने, और जितना भी टाइम वो लोग हैं इस दुनिया में खुश रहे और उसको एंजॉय कर सके, वो लाइफ को वो लोग एंजॉय कर सके जो उनकी लाइफ बहुत पेनफुल रही है, बहुत खराब रही है. तो बस मेरी एक छोटी सी मेरी विश थी और मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, ये सोच के मैंने आज मेरा हेयर डोनेट किया, और वो भी बहुत अच्छे दिन पे किया. मैं काफी लंबे टाइम से ये सोच रही थी, लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे दिन पे उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकी. तो बस थैंक यू मेरी स्टोरी सुनने के लिए.